और फिर दोस्तों अब क्या हाल चाल है। अक्सर हमने देखा डबल डोर फ्रिज के अंदर की तरफ पानी आ जाता है, बाहर की तरफ तो आता ही है भैया, जहाँ पे ड्रेन पाइप लगा हुआ होता है, पीछे की तरफ कंप्रेसर के ऊपर ट्रे लगी हुई होती है, उसमें पानी तो आता है, ये तो नॉर्मल है डबल डोर फ्रिज के अंदर। लेकिन अंदर की तरफ पानी आना ये एक समस्या की बात है। उसके वजह से घर के अंदर पानी आता है, फर्श पे पानी हो जाता है, गीला हो जाता है, और उससे और भी कई समस्याएं होती है, करंट लगने का भी खतरा होता है। तो इसका क्या समाधान है, ये कैसे ठीक करेंगे और ये क्यों होता है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। और हमने ऐसी कंप्लेंट करी थी जिसमें यही समस्या आ रही थी, तो उसे हमने किस तरह से सॉल्व किया वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वैसे तो 5 मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो बिना स्किप करे देखिए, अगर आपके फ्रिज में भी ये समस्या आती है तो आपको भी इसका समाधान मिल जाएगा। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली समस्या, यदि नॉर्मल तरीके से पानी आ रहा है, थोड़ा बहुत ही आ रहा पानी, तो ये एक नॉर्मल चीज है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये बिल्कुल ला इलाज है। मौसम का चेंज होने की वजह से नमी का मौसम हो जाता है, बारिश का मौसम हो जाता है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल है ये पानी आना, मतलब बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो समस्या की बात है, अगर थोड़ा बहुत पानी आ रहा है तो ये नॉर्मल चीज है। अक्सर आपने देखा होगा कि फ्रिज में से ठंडे पानी की बॉटल जब हम बाहर निकाल के रखते हैं तो उसमें पसीना आ जाता है, सेम उसी तरह से फ्रिज जब बंद हो जाता है, जैसे ही फ्रिज बंद हो जाता है तो उसके अंदर रखी हुई चीजें धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है, उसके वजह से उसमें पसीने आने लगते हैं, उस वजह से पानी बन जाता है। तो ये चीज नॉर्मल है, ये मौसम के वजह से होता है, तो इस केस में तो कोई भी इलाज नहीं है इस चीज का। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मौसम की वजह से नॉर्मल पानी आ रहा है, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी समस्या, यदि फ्रिज अगर टेढ़ी मेढ़ी जगह पे रखा हुआ है, मतलब कि फ्रिज का जो बैलेंस है वो बिल्कुल सीधा होने की वजह से थोड़ा सा टेढ़ा या थोड़ा सा इधर टेढ़ा रखा हुआ है, तो उस केस में आपके फ्रिज के अंदर पानी आ सकता है। वो इसलिए आता है कि जब ड्रेन ट्रे बनी हुई होती है ऊपर फ्रीजर के अंदर, जहां पे नाली भी निकली हुई होती है बाहर की तरफ पानी गिरने के लिए, अगर उस केस में अगर आपका फ्रिज कहीं से टेढ़ा होगा, वहां पे अगर पानी जमा हो जाएगा तो वो पानी कई बार बॉडी से रिसाव करते हुए फ्रिज के अंदर आने लगता है। तो उसके लिए हमेशा एक बैलेंसी की जगह पे फ्रिज को रखना चाहिए, या हो सके तो नीचे स्टैंड रखिए, उससे क्या होगा कि फ्रिज आपका बिल्कुल परफेक्ट जगह पे रहेगा, इसलिए फ्रिज को कभी टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं रखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब आप में से काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि भैया फ्रिज कौन टेढ़ा मेढ़ा रखता है। भैया हम नहीं रखते, लेकिन कई बार हमें पता नहीं चलता कि हमने जहां पे फ्रिज रखा है वो टेढ़ी मेढ़ी जगह है, वो हम सिर्फ रख देते हैं। कई जगह पे फर्श हल्का सा उठा हुआ होता है, या कई जगह पे वाकई थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऊंचा नीचा होता है, तो उस केस में हमारे फ्रिज में कहीं पे कोने में पानी अगर जमा हुआ रहेगा तो वो पानी धीरे धीरे बॉडी के सहारे से अंदर आने लगेगा, तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तो समझ में आ गया। तीसरी समस्या, यदि दरवाजे की गैस्केट जो है, रबड़ जिसे बोलते हैं हम, उसे गैस्केट भी बोलते हैं, यदि दरवाजे की गैस्केट खराब हो गई है, या कहीं से चूहों ने तोड़ दिया, या कहीं से निकल रही है, या प्रॉपर तरीके से दरवाजा बंद नहीं हो रहा, तो उस केस में भी आपके फ्रिज के अंदर पानी बनेगा और वो पानी आपके फ्रिज के जरिए नीचे जमा हो जाएगा और उससे वो बाहर आने लगे। तो रबड़ खराब होने की वजह से बाहर का टेम्परेचर अंदर चला जाता है फ्रिज में, और अंदर का टेम्परेचर बाहर निकलने लगता है, तो उसके वजह से नमी हो जाती है फ्रिज के अंदर, और नमी के वजह से जो भी चीजें ठंडी पड़ी हुई है उसमें से पसीने निकलते हैं और वहां से पानी निकलने लगता है, और फ्रिज की जो बॉडी अंदर से ठंडी हुई हुई है उसमें से भी पसीने निकलते हैं, तो उस केस में आपको दरवाजे का रबड़ चेंज कर लेना चाहिए या उसे सही कर लेना चाहिए। यदि निकला हुआ है या कहीं से उखड़ा हुआ है या चूहे ने काट दिया तो चेंज ही कर लेना, और उस केस में आपके फ्रिज में प्रॉपर कूलिंग भी नहीं रहती है। तो फ्रिज का रबड़ हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारी खुद की वेबसाइट है www.apelectroparts.in, यहां पे जाकर के आप हमारी वेबसाइट से रबड़ खरीद सकते हैं आपके फ्रिज के साइज के हिसाब से, रबड़ के साइज के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रिज का रबड़ ही खराब है, आपको मार्केट में नहीं मिल रही है, तो आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। तो हमारी दो वेबसाइट है www.apelectroparts.in और .com, ये दोनों वेबसाइट आपको यहां नजर आ रही है, इन दोनों में से कहीं पे भी जाके व्हाट्सएप पे संपर्क करके अपने लिए फ्रिज की रबड़ मंगवा सकते हैं या बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये तीसरी समस्या के बारे में भी आपको पता चल गया। चौथी समस्या, यदि ड्रेन ट्रे खराब हो गई है, ड्रेन ट्रे में कहीं ना कहीं पे गैप आ गया है, उसके वजह से भी बॉडी के जरिए पानी फ्रिज के अंदर आने लगा। अब देखिए ड्रेन ट्रे कहाँ रहती है, जहाँ पे फ्रीजर लगा हुआ होता है ऊपर की साइड में, वहाँ पे उसका डिफ्रॉस्ट सिस्टम बना हुआ होता है, जैसे ही बर्फ जमी हुई डिफ्रॉस्ट होने लगती है, डिफ्रॉस्ट सिस्टम में जाता है तो नीचे पानी गिरने लगता है, तो वहाँ पे जो ये ट्रे बनी हुई होती है उस ट्रे के बीच में बॉडी के बीच में अगर गैप आ जाता है या वहाँ पे किसी तरीके से गैप खुल जाता है कुछ सालों के बाद में, तो उस केस में उसके जरिए बॉडी में पानी आने लगता है और फ्रिज के अंदर घुसने लगता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर ऊपर से जो हवा आती है पंखे की, उसकी आने के लिए जगह बनी हुई होती है और उसी जगह से वहां से पानी आता है, और पानी के वजह से और ज्यादा पानी बनने लगता है वहां, और पानी के वजह से टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो जाता है और प्रॉपर कूलिंग भी नहीं होती, तो उस केस में भी आपके फ्रिज में पानी आएगा। तो उसके लिए आपको अंदर की तरफ ड्रेन ट्रे जो है वो अगर गैप हुई है तो वहां पे आपको प्लास्टिक कोटेड करा लेना चाहिए। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि जहां पे डिफ्रॉस्ट सिस्टम लगा हुआ होता है उसके जस्ट नीचे एक ट्रे बनी हुई होती है जिसके जरिए पानी ड्रेन होता है फ्रिज के पीछे
पीछे की तरफ ट्रे के अंदर, अगर उस जगह पे गैप आ जाता है तो हम किस तरह से प्लास्टिक कोटेड रबड़ कोट जिसे भी बोलते हैं ब्लैक कलर में होती है वो अगर आप चारों तरफ से करवा लेंगे तो वो लीकेज बंद हो जाएगी और आपका पानी जो है वो प्रॉपरली ड्रेन हो जाएगा फ्रिज के पीछे की तरफ। फ्रिज के पीछे एक ट्रे लगी हुई होती है ड्रेन पानी को स्टोर करने के लिए और वो ट्रे बहुत जरूरी होती है क्योंकि डिस्चार्ज लाइन जिसमें पाइप पड़ी हुई होती है उसका टेम्परेचर नॉर्मल बनाने के लिए। अगर वो ट्रे के अंदर वो पाइप नहीं रखेंगे तो स्पेशली कंप्रेसर का हाई टेम्परेचर को कम करने के लिए पंखा लगाना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि कई डबल डोर फ्रिज के अंदर पीछे की तरफ कंप्रेसर के पास में पंखा लगा हुआ होता है कंडेंसर को थोड़ा सा ठंडा रखने के लिए, उसका टेम्परेचर बनाने के लिए। और नॉर्मल डबल डोर फ्रिज जो होते हैं जो 200 250 300 लीटर के फ्रिज होते हैं उसके अंदर डिस्चार्ज लाइन की जो पाइप लाइन होती है वो ट्रे के अंदर डाल देते हैं ताकि ड्रेन पानी उसके अंदर आकर के गिरे और वो वहां पे उसका टेम्परेचर बना के रहे। तो इसलिए पानी की ट्रे पीछे की तरफ होती है चाहे वो सिंगल डोर हो चाहे डबल डोर हो और उस ट्रे के अंदर डिस्चार्ज लाइन की पाइप की 2-3 लड़ियां उसके अंदर होती ही होती। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। और पांचवा मुख्य कारण है ये नाली का ब्लॉकेज हो जाना। जो नाली बनी हुई होती है ड्रेन पाइप बना हुआ होता है पीछे की तरफ पानी गिरने के लिए, यदि उसके अंदर कोई कचरा फंस जाता है या कीड़े जाकर के फंस जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो वो भी कई बार ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से पानी ड्रेन नहीं हो पाता और आपके फ्रिज के अंदर की तरफ स्टोर होने की वजह से अंदर की तरफ गिरता है क्योंकि उसकी जो ड्रेन ट्रे है उसके अंदर इतना गैप नहीं होता। अगर थोड़ा भी पानी ज्यादा जमा हो जाता है तो वो फ्रिज के अंदर आने लगता है गिरने लगता है, तो उस केस में भी आपके फ्रिज के अंदर पानी गिरेगा। तो उसके लिए तो आपको सिंपल सा काम करना पड़ेगा, जो ड्रेन पाइप है उसे क्लीन करना पड़ेगा या उसे साफ करना पड़ेगा। तो देखिए हमने एक कस्टमर के यहाँ पे इसी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, ड्रेन पाइप जो है वो ब्लॉक हो गया था। तो ये ड्रेन पाइप जो है वो गर्म होने की वजह से इसका मुंह जो है वो पिचक गया था जिसके वजह से पानी प्रॉपर तरीके से ड्रेन ट्रे में नहीं गिर रहा था और वो ब्लॉक हो गई थी। जब हमने इसे आरी से काटा अच्छे से और उसके बाद में इसकी ड्रेनेज जो है जो इसकी ब्लॉकेज थी वो हमने हटाई, पाइप पिघलने की वजह से आप ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से पिघला और किस तरह से उसका मुंह बंद हुआ ये नहीं समझ में आया। लेकिन काफी सालों से फ्रिज इस्तेमाल कर रहे थे तब तो आ रहा था, लेकिन अभी ये कुछ दिनों में क्यों हुआ ये तो हमें भी नहीं पता चला। लेकिन उसके अंदर जो थोड़ी सी जगह बची थी जिसकी वजह से पानी आता था तो उस जगह पे कचरा फंसने की वजह से वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। हमने उसे काट के अच्छी तरह से पेचकस वगैरह डाल करके उसे सही तरीके से निकाला। ड्रेन पाइप को काटने के बाद में हमने ऊपर से पानी डाल के देखा कि ड्रेन में पानी आ रहा है या नहीं, तो प्रॉपर तरीके से पानी आने लग गया। इसका मतलब है कि उसकी ड्रेन पाइप आराम से खुल गई है, यानी कि उसकी नाली जो ब्लॉकेज थी वो खुल गई। तो कहने का मतलब यह है कि यदि अगर उसकी ड्रेन पाइप या उसकी नाली में कचरा फंस जाता है या किसी भी तरीके से वो ब्लॉक हो जाती है तो पानी आपके फ्रिज में आएगा ही आएगा। ये एक मुख्य कारण मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अक्सर डबल डोर फ्रिज के अंदर ये समस्या आ जाती है, कीड़े फंसने की वजह से, वहां पे जमने की वजह से या किसी तरह का कचरा गिरने की वजह से या बर्फ के टुकड़े गिरने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पे सारी चीजें समझ में आ गई और जिन दोस्तों ने मुझसे ये सवाल पूछा था उनको भी इनका जवाब मिल गया होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पे लाल बटन दिख रहा है तो उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए, जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ नया देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय।